रूस यूक्रेन युद्ध के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसका कोई पुख्ता हल निकलता नजर नहीं आ रहा। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहीं इसी बीच यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल को मार गिराने में सफलता हासिल की है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि किंझल मिसाइल को भेद पाना नामुमकिन है। वहीं यूक्रेन के सैनिक किंझल को मार गिराने के बाद काफी खुश हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने ऐसा अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम की मदद से कर दिखाया है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरिये इनहत ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने X-47M किंझल मिसाइल को कीव के ऊपर मार गिराया है। अब इसके बाद रूस की टेंशन जरूर बढ़ गई है। रूस का मानना था कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में तबाह नहीं किया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन को मिली पश्चिमी देशों की ताकत के सामने रूस की ये मिसाइल टिक नहीं पाई है। रूस की किंझल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक स्पीड 10 मैक है। ये 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में माहिर है। ये मिसाइल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है। इसे जमीन और पानी में चल फिर रहे या छिपे हुए टारगेट पर दागा जा सकता है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से 10 गुना तेज यानी 6100 से 12348 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर है, जो कि काला सागर से भूमध्य सागर की दूरी से ज्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइल में 480 किलोग्राम वजन का परमाणु या पारंपरिक हथियार लगा सकते हैं। इस मिसाइल को रूस अपने MiG-31 के फाइटर जेट की मदद से दागता है। मात्र 2 मिनट के अंदर ही ये मिसाइल कीव तक पहुंच जाती है। भले ही यूक्रेन ने रूस की किंझल मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन रूस के पास इससे भी ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियार और मिसाइलें हैं। अब यूक्रेन के द्वारा किंझल को भेद देने के दावे के बाद रूस अपने खतरनाक हथियार यूक्रेन पर दाग सकता है, जिससे यूक्रेन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।